साडे पिंड निखड़ गए, साडा परिवार निखड़ गया। जो सानू उत्थे भी जो वाघा बार्डर अटारी वाघा बार्डर से साड़ी इंडिया की संगत आउंदी आ उन्हां वास्ते उत्थे बहुत परेशानी आ, बहुत परेशानी आ, थोड़ी परेशानी नहीं गई। लेकिन उपरंत जो असी पाकिस्तान इंटर कर जाने तो वाहेगुरु जानता इत्थे कोई परेशानी नहीं। असी पहले पहले जी अपनी वीडियो में करतारपुर का लांघा खोलण तो पहले जिक्र करते होंगे सी कोई ऐसा साझा हाल होना चाहिए आ जिथे दोवां मुल्कां दी आवाम आ के मिल के शाम नूं अपने अपने घरी चल जाए, वो बन गया। अल्लाह पाक ने बड़ा वधिया कीता हो। लेकिन हुण असीं अपने चैनल दे राहीं ये अपील करते हैं दोवां गवर्नमेंटां दे अगे कि वाघे ते भी इहो जिहा बरांडा एक हाल बनना चाहिए। हाँ जी, जिथे लोग आ के सुबह नूं शाम नूं बजाए नारे मारन दे फुल दे के जाया करन एक दूजे नूं, उत्थे फुल्लां दी खुशबू फैलाण। जों सवेरे 9 बजे अमृतसर तों चले रात दे 1-2 बजे दे नाल करीब सारा दिन सारी रात पाकिस्तान पहुँचने उन्होंने लग गया। जदों के सिर्फ जोड़ा सफ़र है वह 40 किलोमीटर का 35 किलोमीटर का सफ़र हो उत्थे 2 दिन लग जाने पहुँचने लग्या। इतों कराची तो लोग एड्डी जल्दी इतने आ गए, सिंध के लोग इतने एड्डी जल्दी आ के लंगर का प्रबंध वो खुले गड्डिया लैके आए। असी एक अपना बैग नहीं घरों लिया सकते अपने कपड़े वास्ते कि इतने चैक कर दे उत्थे चैक कर दे पता नहीं बेच की आ। अमृतसर तो आप जी के सामने संगतां दे दर्शन मेले कर रहे हैं, बड़ी गुरु नानक पातशाह की कृपा हुई है। इत्थे संगतां दा एडा वड्डा इकट्ठ वेख के मन नूं इन्नी खुशी आ कि गुरु नानक पातशाह इन्हां संगतां दे विच मौजूद ने, वो कितने दूर नहीं। इत्थे आण के एडी एडी दूर तो 1000 या 2000 किलोमीटर तो भी संगतां इत्थे आण के नमस्तक होईआं हन। और फिर इत्थे आण के उन्होंने इन्नी खुशी आ, बच्चों समेत परिवार समेत आण के संगतां की सेवा कर रहे हैं। अपने कोलों पूंजी इन्ने वधिया पदार्थ जो उन्हां को पहुँचा पहुँच तो वध अपनी समर्था तो वध संगतां वास्ते सेवा निभा रहे ने दिन रात। उन्हां वास्ते ना कोई दिन है ना कोई रात, इन्ना प्यार इन्नी श्रद्धा असीं ये पाकिस्तान वीरां दे विच वेख के अपने मन नूं इन्नी सुकून मिलता कि किसी चीज़ की कोई तमन्ना नहीं। यो सोचीदा मन च यही ख्याल है कि इन्होंने संगतों में गुरु नानक पातशाह वसदा वा, जिन्हों इन्नी इन्नी दूर तो उत्साह दे के इतने आप उन्होंने लैके आए हैं। सो असी तो बेनती करते हैं अपनी सरकारों दोवे सरकार बेनती करते हैं कि वेखो तू संगत ने पब्लिक ने तू मंत्री बनाया हों, पब्लिक की तुम सुननी चाहिए है ना कि तुम आपो अपन मर्जियां जां अपनी सोच मुताबक ना चलो, पब्लिक की सोच लैके वोटां नाल तुसीं सिलेक्ट होने इलैक्ट होने। तो बाकी ये है कि पब्लिक की जिहड़ी डिमांड आ उहनूं भी मद्देनज़र रखना चाहिए। प्रिंसीपल यही है कि पब्लिक की डिमांड ना कि तुसीं आप लोग आप ते अपनी तुसीं मेहनत सदका अपने किरदार सदका पब्लिक आप नूं आप दी इंसानियत ईमानदारी वेख के तो तुहानूं कैपीटल मंत्री बनाउंदे ने लीडर बनाउंदे ने कि तुसीं पढ़े लिखे हो कुछ लोगों वास्ते जिहड़े अनपढ़ ने जिन्हां सूझबूझ नहीं तुसीं सुचजे ढंग नाल मुल्कां दीआं गल्लां कर सकदे हो और अपने देशां नूं जिहड़ी सेध दे सकदे हो। जो बच्चों नूं एजुकेशन मैडिकल नैक्स जो भी तुहाडी सोच चंगी सोच नूं लो, साडियां हथ जोड़ के बेनतियां यही ने कि सानू बहुत होर दूर नहीं तो पाकिस्तान तो भारत में इन्हों दोवे भरावान नू एक छत के थले आप लोग बिठा दो जिदे नाल कि साढ़े मन के जो भावनावान जड़िया तां गया असी इन्नी मुश्किल इतने आने कि साडा रस्ता बिल्कुल प्लेन हो जाए खुल जाए साडा व्यापार खुल जाए साडे रिश्ते आपस में जो पहला चलते आ रहे पुराने साडे बजुर्गों के असी उन्होंने फिर कायम कर सकी। साडे तो निखड़ गए ने साडे पिंड निखड़ गए साडा परिवार निखड़ गया। जो साढ़े वीर इमोशनल हो गए जी गल्लां करते हुए, मिट्टी नाल जुड़े हुए लोगों की यही गल होंदी है कि जदों मिट्टी की गल करते हैं ना जी तो उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखूंगा मिल नहीं सकते। सो बेनती आ कि इन्हां भरावां नूं मिलाया जाए तो ये सानू गुरु नानक पातशाह को पावर मिलती है
तो जो कि सारी उम्र सुप्रीमो पावर है साढ़े बच्चों में साड़ी नवी पीढ़ी उन्होंने होर उत्साह मिलेगा जो अं उन्होंने अपने पुरानिया गल् दसते हैं बजुर्गों दियाँ तो बहुत कुछ मिलता। देखो जी कोई भी अहदेदार आ सरकारी अहदेदार आ जो अहदा मिलता है तो उन्होंने अपना कोई ऐसा काम कर देना चाहिए आ क्योंकि ये अहदे बार बार नहीं मिलते कोई ऐसा काम कर देना चाहिए आ कि उस आने वाली नस्ल लिए कोई फायदा सब उन्होंने फायदा मिल सके उन्होंने कोई बेहतरी वो आ सके तो एक दुआवां का सिलसिला चल पैंदा जिहड़ा उन्होंने घर बैठे मिलता रहा। असीं तो लीडरां नूं इहो बेनती करते हैं कि ये कुर्सी जिहड़ी है इहनू कुर्सी नूं वेख के अपना आप भुलाओ ना अपने आप में रहो ये कोई तुहाडी पक्की जगीर नहीं हैगी कि तुसीं इहदे उत्ते परमानेंट बैठ गए हो ये उस मालिक की कृपा वा तुहानूं किस टाइम भी जां इह संगत च कृपा वा तुहानूं किस टाइम भी तुहाडे ते कोई तुहमत ला के तुसीं दिनों पहलां चढ़न तों पहलां तुसीं उतर सकदे हो लेकिन इहो ही संगत आ जिहड़ी तुहानूं कखां तों लखां दे विच बना रही आ ते लखां तों कखां विच कर रही आ। सो आप नूं बेनतियां वा अगर जे तुहाडे कोल समां वा जे तुहानूं कोई अहुदे मिले आ तो ये अहुदे परब योग ना करो योग विच लिया के पब्लिक दीआं गल्लां सुन के ते पब्लिक नूं खुश रखो जिहदे नाल के तुसीं हमेशा आउंदे रहो। अच्छा अपना जिहड़ा इत्थों परिवार उठ के गया सीगा जां उत्थों दे रहण? हाँ हाँ नहीं साढ़े फाद साहब इत्थों दे आ इत्थों उठ के असीं गए हां साढ़े मेरे दो ब्रदर आ एक दो भैणां ने उन्हां दा बर्थ इत्थों दा होया तो सो इत्थे टकसाल मेले विच सर्विस करदे सीगे जिथे उस टाइम पैसा बनदा सीगा तो बहुत बहुत वधिया कारीगर सन उत्थे उन्होंने क्वार्टर मिले सीगे तो होर बहुत सहूलत मिली सी उस टाइम पर जो कि अज तक असं भी उन्होंने याद करते हैं। अपना जद्दी पिंड है लाहौर के नाल ही सीगा जो मैं याद नहीं क्योंकि मेरा जन्म जिहड़ा वो अमृतसर दा सो लेकिन बजुर्ग मेरे इत्थे ही नौकरी करन आउंदे सीगे होर भी काफ़ी लोग जिहड़े सी साइकलों के उपर इत्थे आण के नौकरी करके अपना रुजगार खड़ के तो सारे साडे पंजाब च पहुँच के अपने बच्चों की परवरिश करते सन। सो बेनतियां अरदासां सारिया संगतां दीआं इहो ही आ कि साडे दोवें भरा सानूं मिला दिओ कि छत दे थले बिठा दिओ तुहानूं महाराज होर बल बख्शू तुहानूं उमरां बख्शू तुहानूं मान सत्कार बख्शू जे दोवें सरकारां ये भले का कम करके आपो अपने काम ते सरकारां अपने बड़ी छेती कर लैंदियां लेकिन जिहड़ा पब्लिक का कम सवार लग्या तुसीं बड़ा निक्की उक्की करदे हो ना करो ना करो गुरु नानक दी छत्र छाया हेठ चल के नाम जपो किरत करो ते वंड के छको। असीं पहले पहले जी अपनियां वीडियो विच करतारपुर का लांघा खोलण तों पहले जिक्र करदे हुंदे सी कोई ऐसा सांझा हाल होना चाहिए है जिथे दोवां मुल्कां दी आवाम आ के मिल के शाम नूं अपने अपने घरी चल जाए वो बन गया। अल्लाह पाक ने बड़ा वधिया कीता हो लेकिन हुण असीं अपने चैनल दे राहीं इह अपील करदे हां दोवां गौरमेंटां दे अगे कि वागे ते भी एक इहोजिहा बरांडा एक हाल बनना चाहिए। हाँ जी जिथे लोग आके सुबह नूं शाम नूं बजाए नारे मारन दे फिर फुल दे के जाया करन एक दूजे नूं उत्थे फुल्लां दी खुशबू फलाण सानूं उत्थे भी जदों वाघा बार्डर अटारी वाघा बार्डर ते साडे इंडिया दी संगत आउंदी आ उहनां वास्ते उत्थे बहुत परेशानी आ बहुत परेशानी आ थोड़ी परेशानी नहीं गई लेकिन उपरंत जदों असीं पाकिस्तान च इंटर कर जांदे आ ते वाहिगुरू जाणदा इत्थे कोई परेशानी नहीं। अच्छ तो कहना भी साड़ी सरकार साढ़े लिए परेशान क्यों साढ़े लोग 5 बजे तो 7 बजे तो आ के वाघा बार्डर से बैठते हैं उस तो बाद रात को 8, 9, 10 बजे ना पाकिस्तान च इंटर करते हैं जो पेपर वर्क आ इन्ना व्डा पेपर वर्क इनू घटाया जाए इनू होर ना वधाया जाए दिन ब दिन इन्ना पेपर वर्क हो गया कि इतने टैसट इन्ना जो साढ़े एक पासपोर्ट बन गया साड़ी आइडेंटिफिकेशन नाल लग गई तो जो साडा हर चीज़ श्रोमणी कमेटी वालों लग गई है तो सानू लगता सानू चाहिए कि सानू साफ सुथरे रस्ते सानी निर्विघन आना चाहिए जदों के इनिया ब्रेकां नहीं लाउणियां चाहीदियां। ये साड़ी सरकार नूं बेनती है कि बहुत परेशानी लोग बच्चे बीबियां जनानियां भुखियां धीआं रात नूं 12-1 बजे नाल पाकिस्तान जो सवेरे 9 बजे अमृतसर तों चले रात दे 1-2 बजे दे नाल करीब सारा दिन सारी रात पाकिस्तान पहुँचने उन्होंने लग गया जदों के सिर्फ जोड़ा सफ़र है वह 40 किलोमीटर का 35 किलोमीटर का सफ़र हो उत्थे 2 दिन लग जाने पहुँचने लग्या इतों कराची तो लोग एड्डी जल्दी इतने आ गए सिंध के लोग इतने एड्डी जल्दी आन के लंगर का प्रबंध वो खुले गड्डिया लैके आए असी एक अपना बैग नहीं घरों लिया सकते अपने कपड़े वास्ते कि इतने चैक करते उत्थे चैक करते पता नहीं बेच की आ अं कोई लंगर की सेवा नहीं निभा सकते अं कोई चीज़ा रसदा नहीं लिया सकते जिदा कि इतों की संगत लिया के अपनी संगत की सेवा करते सानू भी चाह वा
कि अं अपनी धरती मिट्टी का कोई चीज़ लिया के इतने संगतान ने वरताया जाए, लेकिन साड़िया सरकार सानू नहीं लिया दिंदी। अं अपना बैग ही एड्डी मुश्किल लैके आने कि सानू बहुत औखा। आने वाले टाइम हो सकता इदा दी आसानियां पैदा हो जाने की बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए है। और मैं समझदा कि जिन्ना जिन्ना काम हो गया पहले तो इतने तक भी नहीं सी, आप इन्ने भी नेड़े नहीं सी, इन्ना नेड़े हो गए तो गांह भी अल्लाह पाक कोई बेहतरी का सबब बनाएगा। स्नेहा की दोगे जाके जाते स्नेहा खास करके पाकिस्तान सरकार वास्ते आ कि कृपा करके जो अगे रेल का साधन चलता से जो साड़ी संगत ट्रेन राही आँदी सी बहुत वधिया सिस्टम से किसी कोई परेशानी कोई बुजुर्ग न बच्चे जदों का असी वाघे बार्डर अटारी राही आ रहे बसा राही बहुत परेशानी आ रही है। कृपा करके ट्रेन का रस्ता चालू किया जाए तो ट्रेन के राही संगतान दर्शन मेले कराए जा। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद होएगा। बहुत शुक्रिया जी कल सा स्नेहा तुहाडा पैगाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि ये जी थोड़ी ख्वाहिश आई जी एक जरूरत भी मैं समझदा हाँ जी मांग है तो इन्हें पूरा किया जाएगा। मेहरबानी। वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की फतेह।